ओम साई राम। आज आपको हम शिव पुराण में भगवान शंकर कहते हैं, करोड़ों शिवलिंग के पूजन से जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे भी करोड़ गुना फल की प्राप्ति पारक शिवलिंग पूजन और दर्शन से होती है। पारक शिवलिंग के स्पर्श मास से मोक्ष प्राप्त होती है, अर्थात आप अपने घर पर उत्तर दिशा पर इस पारस शिवलिंग को रखिए तो भोलेनाथ आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। पालकी शिरडी के साईनाथ की भव्य पालकी शोभा यात्रा और विशाल भंडारे का आयोजन श्री रामनवमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य पर साईं धाम कोटा में संपन्न होने जा रहा है। दिन 21 अप्रैल दिन बुधवार को इस महापर्व में सम्मिलित हो पुण्य के भागीदार बने शिरडी के साईं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। इस महापर्व में सहयोग कर अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करें। ओम साईं राम।